करते हैं, सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं पेंट करने लगी थी, ये एक शर्ट दुपट्टा है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है लॉन की शर्ट, ठीक है। आप किसी ब्रांड की शर्ट ले लें, लॉन की शर्ट ले लें, कोई भी शर्ट आपको जो है, ये एक लॉन की शर्ट ली है। उसके साथ ये क्रिंकल शिफॉन का दुपट्टा मैंने डाई करवा लिया है, 4 साइडेड। शर्ट के अंदर आपको जौन सा कलर भी अच्छा लगे ना, जिस तरह मुझे ये पीच कलर सा था, थोड़ा सा डार्क शेड, ये अच्छा था। मैंने दुपट्टे के 4 साइड ये डाई करवा लिया है। दुपट्टा पाकिस्तानी क्रिंकल शिफॉन का, इसको बैम्बर भी कह लेते हैं। ये दुपट्टा लिया, बेस उसकी हमेशा लाइट रखें, शर्ट वेस्ट जो से सबसे लाइट बेस हो वो आप दुपट्टे का सेंटर रखें। 4 साइड टाई करवाएं या आप डबल साइड टाई करवाएं, जो आपको अच्छा लगे वो टाई करवा लिया। मैंने 4 साइड करवाया, वो करवा लिया। ये इसके साथ लॉन्ग की शर्ट है। अब ये वाला डिज़ाइन हम दुपट्टे के ऊपर बनाएंगे, ठीक है। और ये इसके साथ का वाइट ट्राउज़र है, ठीक है। अब सबसे पहले मैं ये दुपट्टे को टेबल के ऊपर पिन अप करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कलर किस तरीके से बनेंगे। कलर बनाना भी आज आपको सिखाऊंगी, आपके सामने कलर मैच करूंगी, बनाऊंगी और ये दुपट्टा कंप्लीट करूंगी जी। तो अब मैंने ये दुपट्टा पिनअप कर लिया टेबल के ऊपर, टेबल के ऊपर पूरा दुपट्टा मैंने सेट कर लिया, ठीक है। अब मैं कलर बनाने लगी हूँ। ये शर्ट मैंने रख ली अपने पास, इसके साथ मैंने कलर मैच करना है। इसकी दुपट्टे की बेस ये देखें, दुपट्टे की बेस वाइट है, इसके ऊपर हमने इसके कलर मैच करने हैं। ये डार्क पीच कलर फूल बनाने के लिए, वाइट कलर, वाइट के ऊपर वाइट भी लगाएंगे तो बहुत अच्छा आता है। उसके अलावा ये जो बेस का फिरोजी कलर है, ये वाला कलर भी मैं मैच करूंगी। अंदर थोड़ा सा हम काम ये भी करेंगे ताकि फिरोजी कलर दुपट्टे में थोड़ा सा शेड आ जाए। ऑरेंज कलर और एक इसके ऊपर थोड़ा सा ये डार्क शेड लगा हुआ फूलों के अंदर, एक ये कलर हम मैच करेंगे। कलर बनाने के लिए सबसे पहले ये देखें, ये वाइट आर्टी पेस्ट मैंने मिक्स की हुई है, इसका लिंक मैंने आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। ये मैं पेस्ट कहाँ से लेती हूँ, वाइट वाइट पेस्ट और आर्टी पेस्ट मिक्स करके मैंने इस बोतल में रखी हुई है। इसको डालूंगी सबसे पहले, ये देखिए, ये ले ली इस वाइट वाइट पेस्ट और आर्टी पेस्ट मिक्स की, और उसके अंदर मैंने थोड़ा सा बाइंडर डाल के मिक्स करके एक बोतल में रखा हुआ है। अब मैंने ये पेस्ट निकाल लिया, उसके अंदर डालूंगी पानी इतना, ठीक है। सिंपल पानी डाल लिया मैंने, पानी डाल के अब इसको मिक्स कर लिया अच्छे तरीके से, क्योंकि ये जो बैम्बर का कपड़ा होता है ना, बारीक क्रिंकल का कपड़ा होता है, इसके ऊपर कितना भी आप ये पानी की तरह ये पतला सा पेस्ट करके लगाएंगे ना, इस पर फैलता नहीं है। और कलर इस पर बहुत अच्छा आता है क्योंकि इसकी बेस लाइट है, वाइट कलर की। डार्क बेस हो तो हमें पेस्ट ये थोड़ी सी ना थिक रखनी पड़ती है, तो वाइट है कपड़ा इसलिए हम ये हिस्सा बिल्कुल थिन, देखिए बिल्कुल पानी की तरह हो गया। ये बना लिया, आप सबसे पहले मैं शेड बनाऊंगी, ये देखें। अब इसमें से थोड़ा थोड़ा सा निकालती जाऊंगी, उसके साथ मैं कलर मैच करती जाऊंगी। और ये दो कलर मेरे पास पहले से बने हुए हैं, ये मैंने पहले से काम किया था, उसके थोड़े से कलर बच गए थे। यही शेड हम थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, ऑरेंज कर लूँगी, और ये डार्क शेड, ये जो फूलों के ऊपर आ रहा है डार्क शेड यही लगेगा। अच्छा, अब सबसे पहले इसके अंदर मैं बनाती हूँ पीच कलर। पीच कलर बनाने के लिए सबसे पहले ये रेड कलर मेरे पास, ये इसको ओरिजिनल कलर होते हैं, ये कलर्स होते हैं, इनको इसके अंदर मिक्स करके यूज़ करते हैं, डायरेक्ट कपड़े पे नहीं लगाते। ये बस इतना सा, ये इतना सा लिया, ये डालना, ठीक है। ये थोड़ा सा लाइट है, थोड़ा सा और डालना। अब इसके शेड मैच करने के लिए इसके अंदर डालूंगी येलो कलर, बिल्कुल इतना सा। ये देखिए, अब इस समय कलर मैच करती जाऊंगी सारे, और इसकी बेस पे यहाँ व्हाइट कपड़े पे लगा के चेक करूंगी। आप कपड़ा एक्स्ट्रा ले लें उसके ऊपर कलर लगा करके चेक कर लें, क्योंकि मैं तो डिज़ाइन के अंदर ये कवर कर लेती हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे चेक कर लूँगी। अभी थोड़ा सा पिंकी शेड है, मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ, ये देखिए, ये थोड़ा सा पिंक शेड है, इसके अंदर थोड़ा सा येलो और डालूंगी। ये
अभी भी ठीक है इसमें, ये अब थोड़ा थोड़ा सा लगाते थे, थोड़ा थोड़ा सा कलर चेक करते थे। अब ये कलर ठीक मैच हो गया। ठीक है, अच्छा अब मैं दूसरा कलर बनाती हूँ। दूसरा कलर ये ऑरेंज है, ये मेरे पास पहले से येलो शेड पड़ा हुआ बना हुई है, सेम यही इसके अंदर ही मैंने बनाया हुआ। अब इस येलो को हमें थोड़ा सा ऑरेंज शेड में कन्वर्ट करना है, उसके लिए ये देखेंगे ऑरेंज कलर है। ठीक है, इसको बहुत एहतियात से खोलने और इस्तेमाल करें, कि ज़रा सा भी इस दुपट्टे पे एक भी कतरा गिर गया तो उतरना बहुत मुश्किल हो जाता है और पूरे दुपट्टे पे फैल जाता है। ये कपड़ा कभी भी डायरेक्ट कपड़े पे ना लगने दें। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने बिल्कुल ये देखे बिल्कुल माइनर था, क्योंकि लाइट से ही शेड देना मतलब। थोड़ा सा लाइट है, थोड़ा सा। अब हम इसको यहाँ पे लगा के चेक करेंगे। आप ना कलर चेक इस तरीके से करें कि देखिए ये फूल के साथ ही ऑरेंज कलर लगे, आप यहाँ पे लगा लें ताकि जब आप कवर करें इसको तो आपको मुश्किल ना हो, जब इस दुपट्टे का पेंट करें तो डिज़ाइन के अंदर ये छुप जाए सर। अब ये कलर थोड़ा सा लाइट है, इसके अंदर थोड़ा सा और डालेंगे ऑरेंज। ठीक है, अब जो ये शेड है और ये शेड है ये डिफरेंट हो गया। अब इसके अंदर थोड़ा सा येलो डलेगा, मैं येलो डालती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। गले अब इसके अंदर मैंने थोड़ा सा येलो डाल दिया और ये कलर यहाँ पे मैं चेक करती हूँ। ठीक है, ये और ये सेम एग्जैक्ट मैच हो गया। कुछ कलर होते हैं कि ड्राई होने के बाद ठीक मैच पता चलता है, लेकिन ये कलर ऐसा ये सेम इसके पास वाइट बेस के ऊपर पता चल रहा है। अगर आपसे ऐसा नहीं मैच होते आप थोड़े से कपड़े पे लगाएं, उसको ड्राई करें और फिर मैचिंग करें। ठीक है, अगर आपसे अच्छी ठीक से मैचिंग नहीं होती। ये दो कलर हमारे रेडी हो गए, इनको यहाँ से उठा लेते हैं। आप हम कलर मैच करेंगे, ये फिरोजी वाला, ये जो फिरोजी है इसमें से वाइट कलर मैं थोड़ा सा इसमें डाल दिया इस कप में, इसके अंदर मैं डालूंगी ये फिरोजी कलर। अब थोड़ा सा उसके अंदर सीक्रेट कलर डलेगा। ये कलर आपको बहुत आसानी से केमिकल शॉप से मिल जाएंगे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, मैं कहाँ से किस किस तरीके से खरीदती हूँ, क्या क्या नाम है इनके, आप चेक कर लेना। और अगर आपको रेडी ये दुपट्टे इसी तरह पेंट किए हुए दुपट्टे ऑर्डर करना हो या पेंट करवाना हो अपनी शर्ट के साथ, आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर ले, वहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और अपने दुपट्टे आप बनवा सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मेरा अकाउंट पेंटिंग कॉर्नर बाय शफा के नाम से है, यूजर नेम शफा वकास है। ठीक है, सी ग्रीन कलर डाला है मैंने फिरोजी के साथ। अब ये सी ग्रीन बस इतना डलेगा, अब इसके अंदर थोड़ा सा फिरोजी दोबारा डालूंगी। अब जो ये शेड है ना ये ब्राइट शेड है और ये थोड़ा सा डल है, मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखाऊँ, ये देखें। अब इसके अंदर हम बिल्कुल वन ड्रॉप भी नहीं, उससे भी कम हम इसमें डालेंगे ब्लैक कलर। मैं ब्लैक कलर डालती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये अब इसके अंदर मैंने ब्लैक कलर लगा लिया, लेकिन ये देखिए इसका शेड ना फिर भी मैच नहीं हो रहा, ये शेड आपको बहुत मुश्किल से मैच करना पड़ेगा, ये अभी भी शेड मैच नहीं है। अब इसके अंदर डालेंगे हम येलो कलर, लाइट से येलो कलर डालेंगे तो उसका ये हल्का सा ग्रीन से शेड आएगा। अब मैं ये ग्रीन शेड डाल सकता हूँ, डाल के येलो बहुत कम येलो लगाना है आपने, क्योंकि सिर्फ हल्का सा लाइट से शेड चेंज करना है इसका, उसमें ग्रीन से शेड आ रहा है। ये एग्जैक्टली अब इसका कलर सेम ग्रीन उसके साथ ये फिरोजी कलर इसके साथ मैच हो गया। ठीक है, अब हमारे सारे कलर मैच हो गए, वाइट कलर हम यही वाला लगाएंगे। कलर आप हमारे सारे मैच हो गए, अब मैं आपके सामने ये दुपट्टा पेंट करती हूँ।
आप देखें किस तरीके से दुपट्टा पेंट करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगे तो इसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ। कोई चीज़ समझ में ना आए आप मेरे से पूछ सकते हैं, पेंट कहाँ से लेते हैं इसके डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूँगी। और अगर आपने ये बने हुए दुपट्टे ख़रीदने हैं ये जो मैं बना रही हूँ, और या कोई काम खुद से करवाना है, कोई ऑर्डर कस्टमाइज़ करवाना है, तो फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें और वहाँ पर आप मुझे ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।